हेलो दोस्तों, ड्रीम कैरियर में स्वागत है। हम लोग सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी का अध्ययन कर रहे थे, तो हमने शैशवावस्था के बारे में चर्चा कर लिया था। अब उसी के आगे देखते हैं कि बाल्यावस्था, हेडिंग लगाएंगे हम लोग बाल्यावस्था, हेडिंग लगाएंगे बाल्यावस्था। देखते हैं बाल्यावस्था की समय सीमा क्या होती है। तो बाल्यावस्था की जो समय सीमा होती है, वो समय सीमा होती है बाल्यावस्था की 6 से 12 वर्ष तक। बाल्यावस्था की समय सीमा क्या होती है? 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। आइए देखते हैं कि बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष तक की होती है, बाल्यावस्था के कुछ उपनाम भी हैं। तो हेडिंग डालेंगे बाल्यावस्था के उपनाम। बाल्यावस्था के कुछ उपनाम हैं, तो बाल्यावस्था के कुछ उपनाम हैं जिसे कहते हैं खेलों की अवस्था। नंबर एक, खेलों की अवस्था। खेलों की अवस्था, खेलों की अवस्था को हम लोग बोलते हैं गेम एज। खेलों की अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? गेम एज, गेम एज। और आगे देखते हैं, पहला हो गया खेलों की अवस्था, दूसरा हो गया टोली की अवस्था, दूसरा हो गया टोली की अवस्था, टोली, टोली की अवस्था। टोली की अवस्था को हम लोग बोलते हैं गैंग एज, गेम एज हो गया। टोली की अवस्था को हम लोग बोलते हैं गैंग एज, गैंग एज। और हम लोग क्या बोलते हैं बाल्यावस्था को? जीवन का अनोखा काल बोलते हैं बाल्यावस्था को। और क्या बोलते हैं? जीवन का, जीवन का अनोखा काल, जीवन का अनोखा काल, जीवन का अनोखा काल बोलते हैं। जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को बोलते हैं। और देखते हैं मंद परिवर्तन की अवस्था के नाम से जानते हैं। मंद परिवर्तन की अवस्था, मंद परिवर्तन की, मंद परिवर्तन की अवस्था के नाम से जाना जाता है किसे? बाल्यावस्था के। और देखते हैं समलैंगी समूह, बालक में समलिंगी, समलिंगी समूह के नाम से बाल्यावस्था को जाना जाता है। बालक समलिंगी समूह करता है। और निरुद्देश्य भ्रमण की अवस्था के नाम से जाना जाता है। निरुद्देश्य, निरुद्देश्य भ्रमण के नाम से जाना जाता है। निरुद्देश्य भ्रमण के, भ्रमण के नाम से जाना जाता है। निरुद्देश्य भ्रमण के नाम से जाना जाता है। और पलटावी अवस्था के नाम से जाना जाता है। पलटावी, पलटावी अवस्था के नाम से जाना जाता है। पलटावी अवस्था के नाम से जाना जाता है। और निश्चितता की अवस्था के नाम से जाना जाता है। निश्चितता के, निश्चितता की अवस्था के नाम से जाना जाता है। और आगे देखते हैं और किस नाम से जाना जाता है? प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था के नाम से जाना जाता है। प्रतिद्वंदात्मक, प्रतिद्वंदात्मक अवस्था के नाम से जाना जाता है। प्रतिद्वंदात्मक अवस्था के नाम से जाना जाता है। और पलटावी अवस्था हो ही गया है, आगे देखते हैं मंद परिवर्तन हो गया है, तो इतने नामों से बाल्यावस्था को जाना जाता है। मिथ्या या परिपक्वता के काल के नाम से जाना जाता है। मिथ्या या, लास्ट है, मिथ्या या परिपक्वता, मिथ्या या परिपक्वता के नाम से बाल्यावस्था को, परिपक्वता की अवस्था के नाम से बाल्यावस्था को जाना जाता है। तो टोटल इतने नामों से बाल्यावस्था को जाना जाता है। पहला खिलौनों की अवस्था, दूसरा टोली अवस्था, जीवन की अनोखा काल, मंद परिवर्तन की अवस्था, समलिंगी समूह, निरुद्देश्य भ्रमण का, पलटावी अवस्था, निश्चितता की अवस्था, प्रतिद्वंदात्मक अवस्था, मिथ्या अथवा परिपक्वता का काल। इतने नामों से बाल्यावस्था को जाना जाता है। आइए देखते हैं बाल्यावस्था की कुछ विशेषताएं हैं। देखते हैं कौन कौन सी विशेषताएं बाल्यावस्था की हैं। इरेज करते हैं इसको, आगे हेडिंग बनाएंगे हम लोग बाल्यावस्था की विशेषताएं। हेडिंग बनाएंगे बाल्यावस्था की विशेषताएं। देखते हैं बालक का कैसे विकास होता है। डालते हैं हेडिंग बाल्यावस्था की विशेषताएं। देखते हैं बाल्यावस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो बाल्यावस्था की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता देखते हैं कि बाल्यावस्था में बालक में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। पॉइंट बना के लिखेंगे, बाल्यावस्था में,
बालक में हड्डियों की संख्या, बालक में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? हड्डियों की संख्या, बाल्यावस्था में बालक में हड्डियों की संख्या जो होती है तो वो हो जाती है बढ़ के 350। इसका मतलब शैशवावस्था में होती 270, बाल्यावस्था में बढ़ के 350 हो जाती है। देखते हैं, बाल्यावस्था में दूध के दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा, दूध के दांत किस वर्ष अवस्था में गिर जाते हैं? दूध के दांत किस अवस्था में गिरना शुरू हो जाते हैं? किस अवस्था में गिरना शुरू हो जाते हैं? किस अवस्था में गिरना शुरू हो जाते हैं? गिरना शुरू हो जाते हैं। तो आपको आंसर इसका बताना होगा, क्या आपको बताना होगा? बाल्यावस्था। क्या बताना होगा? बाल्यावस्था। अगर आपसे कोई एक्यूरेट टाइम पूछता है कि किस ईयर में बालक में दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, तो आप अगर एक्यूरेट टाइम पूछ रहा है तो आप बता दीजिएगा 7 वर्ष। 7 वर्ष में बालक में दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। आगे देखते हैं कि बालक में मांसपेशियों का वजन कितना हो जाता है। बाल्यावस्था में बाल्यावस्था में बालक के कुल वजन का 30% मांसपेशियां हो जाती हैं। कुल वजन का 30% मांसपेशियां हो जाती हैं। इसका मतलब कुल वजन का 30% मांसपेशियां हो जाती हैं बाल्यावस्था में बालक में। आगे देखते हैं कि बाल्यावस्था में कौन सा चिंतन करता है। तो बाल्यावस्था में बालक मूर्त चिंतन करता है। बाल्यावस्था में बालक मूर्त चिंतन करता है। बालक मूर्त चिंतन करता है। पूछा जाएगा, बालक कौन सा चिंतन करता है? तो बाल्यावस्था में बालक मूर्त चिंतन करता है। आगे देखते हैं, बाल्यावस्था में मूर्त चिंतन बालक कर लिया। झूठ बोलना या चोरी करना कौन सी अवस्था में बालक सीखता है? झूठ बोलना या चोरी करना, झूठ बोलना, चोरी करना बालक बाल्यावस्था में सीखता है। झूठ बोलना, चोरी करना बालक बाल्यावस्था में सीखता है। बाल्यावस्था में सीखता है। पूछा जाएगा, झूठ बोलना, चोरी करना बालक कौन सी अवस्था में सीखता है? तो झूठ बोलना, चोरी करना बालक बाल्यावस्था में सीखता है। संवेग नियंत्रण की क्षमता किस अवस्था में मिलती है? तो संवेग नियंत्रण की क्षमता बाल्यावस्था में मिलती है। संवेग नियंत्रण की क्षमता बाल्यावस्था में मिलती है। क्षमता बाल्यावस्था में मिलती है। संवेग नियंत्रण की क्षमता बालक में बाल्यावस्था में मिलती है। आगे देखते हैं पॉइंट, जिसमें इस अवस्था में बालक में जो मित्रता होती है वो समलिंगी होती है। यानी बाल्यावस्था में मित्रता समलिंग होती है। मित्रता समलिंगी होती है। कैसी मित्रता होती है? यानी लड़का लड़की से प्यार करता है और लड़का लड़की से प्यार समलिंगी होती है। इसका मतलब ये हुआ समलिंगी। आगे देखते हैं कि बाल्यावस्था में जो मित्रता होती है वो अस्थायी मित्रता होती है। आगे देखते हैं, बाल्यावस्था की मित्रता अस्थायी होती है। की मित्रता अस्थायी होती है। बाल्यावस्था की मित्रता अस्थायी होती है। तो आप इतने पॉइंट लिख लीजिए। आगे देखते हैं क्या है, आगे के थोड़े पॉइंट और बाकी हैं वो लिखा रहे हैं। आई होप आप लिख चुके होंगे। इसको इरेज करते हैं, आगे फिर बताते हैं आप लोगों को कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट। ऐसे ही मेरी तरह नोट्स बनाते ही चलिएगा, अच्छे से टू द पॉइंट आप लोग लिखते चलिएगा। आगे देखते हैं, बालक
निरुद्देश्य भ्रमण किस अवस्था में करता है, तो बाल्यावस्था में, मतलब निरुद्देश्य, निरुद्देश्य भ्रमण, निरुद्देश्य भ्रमण किस अवस्था में बालक करता है, निरुद्देश्य भ्रमण किस अवस्था में करता है, किस अवस्था में, किस अवस्था में बालक करता है, किस अवस्था में बालक, किस अवस्था में बालक करता है। तो जो निरुद्देश्य भ्रमण है वो बालक किस अवस्था में करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। क्या आंसर हो जाएगा? बाल्यावस्था। बिना किसी वजह के बालक इधर उधर घूमता रहता है। आगे देखते हैं, बालक में चिंतन भी हो गया, मूर्त चिंतन। कुछ और पॉइंट बता रहे हैं जो आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे हम नोट पॉइंट बना के लिख रहे हैं, नोट पॉइंट बना के लिख रहे हैं। हमने बताया था एक खिलौनों की अवस्था, हमने दो पॉइंट बताया था, एक बताया था खिलौनों की अवस्था हमने बताया था, दूसरा हमने बताया था खिलौनों का काल बताया था या खेलों की अवस्था, या खेलों की अवस्था। आपको ये दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो थोड़ा इसमें डिफरेंस है। जैसे खिलौनों की अगर आपसे अवस्था पूछा जाएगा तो आप यहाँ पर आंसर दीजिएगा शैशवावस्था। क्या आंसर देंगे? शैशवावस्था। अगर आपसे पूछा जाए खिलौनों का काल या खेलों की अवस्था, तो आप उत्तर देंगे बाल्यावस्था, आप उत्तर देंगे बाल्यावस्था। अगर पूछा जाए बाल्यावस्था में कौन सी अवस्था है, तो बाल्यावस्था में पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। ये बाल्यावस्था के अगर अंदर पूछा जाए कि कौन सी अवस्था है जिसे खिलौनों की अवस्था कहते हैं, तो पूर्व बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था को बचपन और परिपक्वता की का काल भी, कड़ी भी कहते हैं। एक पॉइंट और बना के लिख लीजिएगा, उत्तर बाल्यावस्था को बचपन व परिपक्वता की कड़ी कहते हैं। तो बचपन व परिपक्वता की कड़ी किसे कहते हैं, तो बाल्यावस्था को बचपन व परिपक्वता की कड़ी कहते हैं। तो आई होप बाल्यावस्था आपकी समझ में आ गया होगा। अब आगे की क्लास नेक्स्ट वीडियो में करते हैं चर्चा किशोरावस्था। आज की दोस्तों क्लास यहीं तक। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।